शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाकर रखिए। जरूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। जो आपकी बात सुनते हुए इधर उधर देखे उस आदमी पर कभी विश्वास ना करें। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपने माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज को दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। कभी भी उनसे मित्रता मत कीजिए जो आपसे कम या ज़्यादा प्रतिष्ठा के हों। ऐसी मित्रता आपको कभी खुशी नहीं देगी। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नौजवानी और स्त्री की सुंदरता है। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। अपनी पत्नी को तब परखें जब आपके घर में घोर विपत्ति हो, रिश्तेदार को कठिनाइयों में और मित्र को संकट में। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है।